अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अक्सा का अनदर लुक। और आज जो लुक शेयर कर रही हूँ वो है वलीमा लुक। मैंने आपके साथ बारात का भी शेयर किया था, तो यही आज आपको मैं क्रिएट करना सिखाऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस अपनी वीडियो को। ऑल गाइस, मैं यहाँ कंसीलर अप्लाई करूँगी अपनी आई की बेस बनाने के लिए। कंसीलर को मैं अप्लाई करूँगी ताकि जो डार्क स्पॉट्स हैं या डार्क सर्कल हैं वो हाइड हो जाएं। तो कंसीलर लगा के मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी और अब कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी ताकि जो कंसीलर है वो क्रीज ना हो और यहाँ मेरी आई का लुक कुछ ऐसा लग रहा है। अब बारी है आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर की पेंसिल। इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं अपनी आई पर अप्लाई कर रही हूँ, यानी कि अपनी आई को फिल कर रही हूँ इससे आईब्रोज़ को। तो स्पूली की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के बाद और सेट करने के बाद कुछ इस तरह से मेरी आई का लुक लग रहा है। अब बारी है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ पिंक सा शेडो, बेबी पिंक सा कलर है और इस कलर को एज अ ट्रांजिशन कलर हम लेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे अपनी क्रीज पे। तो मैंने इस कलर को अच्छी तरह से अपनी क्रीज पे ब्लेंड कर रही हूँ। आईब्रोज के साथ टच नहीं करना, उसके नीचे नीचे ब्लेंड करना है अच्छी तरह से। जब ब्लेंडिंग हो जाए, नेक्स्ट कलर अब हम लेंगे ये ब्राउन अंडरटोन में 3 आई शेडोज और सेम ब्रश पे लेके मैं इसको अच्छी तरह से अपनी क्रीज पे ब्लेंड करूँगी, यानी कि जहाँ मैंने पिंक कलर को अप्लाई किया उसके नीचे नीचे मैं इसे ब्लेंड करूँगी। और अच्छी तरह से जब आप ब्लेंडिंग करती हैं तो आपका जो मेकअप है वो इतना ज़बरदस्त सा लगता है और प्रोफेशनल सा लुक आता है। अच्छी तरह से गाइस इसको ब्लेंड करने के बाद अब मैं ले रही हूँ ये शिमरी सा आई शेडो। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर है ये, मुझे सेम वैसा ही लगा जैसे कि मैंने उनकी पिक्चर्स में और उनकी वीडियोज़ में जिस तरह का मुझे उनका आई मेकअप लगा, मैंने उसी तरह की पूरी कोशिश की है कि मैं ये लुक को क्रिएट करूं। तो फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छी पिगमेंट आती है, इसीलिए मैं फिंगर की हेल्प से ये शिमरी सा आई शेडो अप्लाई कर रही हूं। देन अब बारी है आईलाइनर की और यहाँ मैं ले रही हूँ जेल आईलाइनर और अपनी लैशेस के क्लोज क्लोज एक लाइन बनाऊंगी। एक विंग आईलाइनर है जैसे कि मैंने आपके साथ बारात में शेयर किया था, बारात वाले लुक में सेम वैसा ही मुझे लाइनर लगा। तो इनर कॉर्नर से थोड़ी सी वी मैं बनाऊंगी, यानी कि लैशेस के क्लोज क्लोज हमने एक लाइन बनानी है। आउटर वी से कुछ इस तरह से लाइनर को हम बाहर की तरफ निकालेंगे, यानी अपनी आई से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे। गाइस जब आप इस तरह अप्लाई करते हैं आपकी जो अगर छोटी आईज हैं तो वो बड़ी बड़ी सी नज़र आती हैं, तो आपकी अगर छोटी आईज हैं तो आप इस तरह लाइनर को थोड़ा बाहर निकाल के लगाया करें। देन लाइनर हमारा कंप्लीट हो गया और वाटर लाइन पर मैं अप्लाई कर रही हूँ वाइट पेंसिल। तो वाइट पेंसिल अप्लाई करने के बाद जो सेम कलर था, यानी कि पिंक सा कलर था और ब्राउन, उन दोनों कलर को लेके मैं अपनी लोअर लैश को ब्लेंड कर लूँगी। मुझे तो इसी तरह का उनका लुक लगा, यानी कि लोअर लैश से ब्लेंड हुआ। अब गाइस मैं ले रही हूँ मिस्ट्रोस के प्रेस ग्लिटर, ये सिल्वर सा शेडो है बहुत ही ज़बरदस्त सा, और इसको मैं फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। मस्कारा की अच्छी सी कोटिंग दूंगी अपनी अपर लैशेस पे एंड लोअर लैशेस पे। फेक लैशेस लगाने के बाद इट्स माय फाइनल लुक गाइस। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको पता है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। तो गाइस मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।